और अभी भी स्टिल हमारी राखी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि भोसा वगैरह आ जाए राखी बांधने के लिए, क्योंकि कल मम्मा और मास्क चले गए थे नानी के घर, वहाँ से आप आए तो राखी वगैरह आप बंधेगी। और इधर ये देखो सारा लोग इधर बैठा है हमारा, और उस टाइम और उधर हमारे एलईडी में चल रहे हैं मेरे डांस के वीडियोस, तो सब लोग बैठ गए यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं। और मैं आपको बाहर का सीन दिखाती हूँ, बाहर भोसा वगैरह सब बाहर बैठे हैं, तो सब भोसा वगैरह बाहर बैठे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं शादी का एल्बम। तो मैं फटाफट से करके आ रही हूँ ड्रेस चेंज, और इसके बाद में उसको बांध देंगे। इधर चल रही है हमारी वीडियोस, सब बैठ के इधर देख रहे हैं, और दुर्गा जी इधर बना रही थी हमारे वीडियोस। और ये है मेरे भौजी जो पापा को आज राखी बांधेंगे, और ये है दीदी जो इनकी भौजा की लड़की है। तो यहाँ पर चल रही है हमारी लेडीज़ गैंग की मीटिंग, मतलब ये आपस में ही अपनी बातें कर रहे हैं, वो चुगलियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो पता नहीं। एंड आज की जो भी ब्लॉगिंग हो रही है, जो भी शूट हो रही है, वो सारी हमारी गर्ल्स गैंग ने की है। ये सारी लेडीज़ गैंग है और हमारी गर्ल्स गैंग सारी अंदर है, तो आज गर्ल्स गैंग ने ही सारा वीडियो शूट किया। जो भी किया उन्होंने अच्छा ही किया है, उनको जिस तरीके से आता था तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग भी किया है। मन बता दीजिए चल ले जाना। शाम के पास छह पाँच बजे सुबह एक बजे तक सीखा।
तो गाइस इधर मैंने अभी थाली सेट कर दी है और इसमें मिठाई है और ये तिलक और राखी मैं भी लेके आ रही हूँ और उसके लिए मेरी तरफ से भी सरप्राइज है, तो वो मैंने अभी अंदर रखा है, तो वो मैं आपको लास्ट मोमेंट में दिखाऊंगी, तो बने रहिए आपके साथ लास्ट में। तो एक प्रैंक भी हो गया। और हाँ, कल मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई वाला जो कि मैंने ओपन किया था वो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, तो ये मुझे मिला है कल भाई की तरफ से। और जो भाई ने मेरे को सूट दिया था वो ये वाला सूट है, ये प्योर के अंदर है, राय बंदेज का पोशाक है। मतलब ये मेरे पास शादी वाले टाइम पे थी तो भाई ने मेरे को करवा दी और सेम मेरे साथ शुरू हो गई कि देखो थोड़ा सा इन दोनों का डिफरेंट कलर है। और ये मैं अभी मार्केट से लेके आ गई थी तो भाई ने मेरे को ऐसे आइडिया भी दिया था, बोलते ये क्यों लेके आई है, मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं था कि उसने मेरे को गिफ्ट दिया है पर्स का, कोई नहीं। लेकिन वो बोलते ना सेम सेम बट डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं ये इधर चाय बना रही है। और इधर हमारी वर्षा मैडम बना दी चाय। वर्षा, आपको चाय बनाने कैसा लग रहा है? सुबह से थर्ड टाइम वर्षा को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसके कंट्रोल में नहीं है। और मैं आप जानी को राखी बांधते हैं, वो सब कुछ चला गया क्योंकि सब आए बैठे, तो सुबह नीचे इधर बुआ सब आंद्रे पापा को रखी, हमारे वाले बुआ सब बांध दी, अभी मुन्नी बुआ सब बांधेंगे। इधर सबकी चाय पार्टी हो रही है। बस तो पति पी चाय राखी। अब मासी और बुआसा मम्मी और पापा को राखी बांध रहे। बुआसा ने पापा को कल बांध दी थी, मासी बांध रही पापा को।
बुआ सा बुला लो। तो ये है बुआ सा की सीख। अब दीदी बांधेगी मेरे को राखी, क्योंकि भाई नहीं है, मासी ने राखी बांध दी है। बुआसा, जीजा, बुआ जी वगैरह सब लोग घर जा चुके थे और यहाँ पर मैं और चिकू कर रहे थे मस्ती, क्योंकि हम अब अकेले हो चुके थे अब, और मासी भी अब जाने वाली है, मतलब
कुकी बाहर गया हुआ है, कुकी आके आते ही मासी वगैरह भी रवाना होंगे। एकदम घर खाली खाली सा हो गया इतनी देर, सब मतलब घर एकदम भरा भरा सा लग रहा था, कभी कौन था कभी कौन था, बट अब एकदम खाली सा हो गया। अब मासी कुकी भी जा रहे हैं घर पे, ये रही हमारी चिका भी जा रही है, चिका बाय जाती जा रही है मासी के, वो दोनों रहे ऊपर। तो अभी मासी वगैरह भी घर से रवाना हो चुके हैं, अब एकदम घर खाली खाली सा हो गया। अब घर में दोनों बच्चे मतलब पीहू और शेरू, पापा भी अभी घर पर नहीं है, मैं और मम्मा बस दो ही घर पर हैं। तो इसी के साथ आज की ब्लॉग भी की एंडिंग भी यही करते हैं, बाय बाय गाइस, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में।